उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में भीषण सड़क हादसे में मौत के शिकार लोगों में से एक भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गोसाईपुर के रहने वाला था। कंटेनर और स्कॉर्पियो में हुई इस भीषण टक्कर में मौत के शिकार 9 लोगों में से चाचा भोजपुर के गोसाईपुर के रहने वाले थे, जिनकी मौत की सूचना के बाद से ही पूरे परिवार में मातम का माहौल है। इस दुख भरी घटना के बाद गांव में रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है। हर कोई इस सोच में है कि आखिरकार अचानक सब कुछ कैसे बर्बाद हो गया। चाचा नंदलाल पासवान राजस्थान के भिवाड़ी स्थित एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। नंदलाल अपनी बड़ी बेटी का गौना और छोटी बेटी की सगाई और शादी की रस्म के लिए गांव आ रहे थे, तभी अचानक सब कुछ खत्म हो गया। घर में चल रहा खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया और हर ओर चीख पुकार मचने लगी। हालांकि नंदलाल की पत्नी मीना देवी को अब भी अपने पति के मौत की जगह जख्मी होने की सूचना दी गई है। वहीं भतीजे बंटी के घर वाले के रो रो कर बुरा हाल है तो गमगीन थी। बंटी अपनी पत्नी सीमा और बेटे बेटियों को भिवाड़ी ही छोड़कर अपने चाचा के साथ गांव आ रहा था। अगर पूरा परिवार साथ होता तो मंजर कुछ और ही होता। सूचना मिलते ही नंदलाल के दोनों बेटे अनिल और सुनील हादसे की जगह रवाना हो गए हैं, जहां से शव को लेकर वे लौटेंगे। बता दें कि राजस्थान के भिवाड़ी से 9 लोगों को लेकर चली एक स्कॉर्पियो गाड़ी अगले सुबह यूपी के प्रतापगढ़ के नवाबगंज के वाजिदपुर गांव के पास हादसे का शिकार हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो पर सवार 9 लोग। हाँ, क्या पता चला आज सुबह? हम लोग के पास फोन किया कि मेरा पापा एक्सीडेंट कर गए हैं गाड़ी से। कौन किया फोन? तो मेरा मुसक लड़का फोन किया। क्या नाम उनका? उसका नाम अनिल है। अच्छा, यहीं के? यहीं पर। हाँ, अच्छा। तो बोला कि जल्दी आओ गांव पर, ऐसे से बात हो गया। हम लोग यहाँ आने के बाद न मिला। तो ये दोनों लोग को आप जानते हैं ना, आपके घर के लोग हैं? क्या करते थे लोग राजस्थान में? राजस्थान में काम करते थे। क्या, किसी का काम? वो स्टील कंपनी में काम करते थे। स्टील कंपनी में बैरिंग बनाते थे। ये आने वाले थे किस लिए? शादी था। शादी था आपकी बहन का? एक बहन का शादी था, एक बहन का गमना था, उसी को लेकर आने वाले थे। फिर क्या सूचना मिली, जिंदा है, क्या पता चला? 11 बजे के बाद मिला कि वो खत्म हो गया। पहले मिला कि घायल है? घायल है। उसके बाद मिला कि वो खत्म हो गया दोनों लोग। कहाँ पे घटना घटने का सूचना मिला? प्रतापगढ़। ये लोग बताए थे पहले से कि स्कॉर्पियो से आ रहे हैं? हम लोग बताए थे, हम लोग आ रहे हैं। कब बताए थे? कल। कल बताए थे। अपना नाम बता दीजिए आप। ठीक। अब बताइए, कब सूचना मिली आप लोगों को कि आपके यहाँ मैंने आपके लोगों की मौत हो गई एक्सीडेंट में? क्या सूचना मिली पहले बताइए? पहले फ़ोन किया तो थाना उठाए पुलिस। कब फ़ोन किए थे? 4 बजे के लगभग। सुबह में? सुबह 4 बजे। मैंने आप लोगों को पता था वो लोग आ रहे हैं ना? हाँ, बताए थे लोग। हाँ, क्या बोले थे लोग? तो पता चला तो गाड़ी एक्सीडेंट कर दी। उसके बाद 9-10 बजे करीब में हम लोग को पता चला ना तो नहीं है, मैंने मौत हो गई। मौत। कितने लोग आपके घर के लोग आ रहे थे? 2। कौन कौन लोग? नंदलाल। कौन है वो आपके? चाचा है। और एक बंटी भैया है। मेरे भाई है आपके, बड़े भाई। तो मैंने क्या पता चला कि मौत हो गया? हाँ। और भी लोग थे उस गाड़ी में, वो लोग कौन थे? वो समस्तीपुर के रहने वाले थे। मैंने क्या इन लोग के परिचित थे, पहचान के थे? अब हाँ, यही। आप लोगों को बताए थे कि और भी लोग के साथ आ रहे हैं? हाँ। तो यहाँ आने का क्या मतलब, अभी लॉकडाउन के बाद आ रहे थे घर पे अपने की या किसी काम से आ रहे थे? शादी होने वाला है यहीं। किसकी शादी थी? दीदी का शादी था। मैंने उनकी बेटी का, नंदलाल की बेटी का, चाचा के बेटी का हो रहा था। हाँ, और बंटी का, बहन का। यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं? चाचा चाची रहते हैं और आजी, मेरी बड़ी छोटी बहन। तो सूचना मिला कि डेथ हो गया दोनों आदमी का? हाँ। वो लोग आज ही आने वाले थे ना? हाँ। और यहाँ घर पे कौन कौन रहते हैं उनके? उनके घर पर रहते हैं चाची और माजी, उसका 2 लड़की और 2 लड़का और बंटी का एक। बंटी के परिवार के भी लोग होंगे ना? वो लोग कहाँ हैं? वो राजस्थान। वो वहाँ छोड़ के आ रहे थे उन लोगों को? हाँ। वो लोग ठीक है ना? वो लोग आने वाले थे। हाँ। लेकिन आए नहीं। नहीं। ठीक है, अपना नाम बताइए। रमेश कुमार पासवान। कौन है आप? मैं उनका